नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए शनि ग्रह के वक्तृत्व का फल और उनके उपाय के विषय में। शनि ग्रह जो कि कुंभ राशि में अपनी ही दूसरी स्वयं राशि में 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 140 डेज के लिए वक्री होने जा रहे हैं। अब ये आपको क्या फल प्रदान करने वाले हैं? देखिए, अगर पिछले समय की बात करूँ तो पिछले समय में आपने संतान की तरफ से भी परेशानियाँ फेस की हैं। संतान उत्पत्ति में स्टूडेंट ने एजुकेशन के अंदर कई प्रकार की परेशानियों को फेस किया है, परंतु अब इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ प्राप्त होने वाला है। ये जो शनि ग्रह का वक्रत्व है, इसके आने से 140 डेज का जो समय आपको मिलेगा इस समय अंतराल के अंतर पर, अगर आप पिछले समय में अपने सपनों का घर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो उसे परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी संभावना बनेगी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी ताकि आप एक अच्छा वाहन अपने लिए कोई परचेज कर पाए। माता पिता की हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी। पिछले समय में हो सकता है उन्हें जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो, परंतु अब उसके अंदर यहाँ पर सुधार के लक्षण देखे जा सकते हैं। ये समय आपको काफ़ी सुख दिलाने वाला रहेगा, घर परिवार का सुख आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। पिछले समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस से और आपके बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से, या ऑफिस में कार्य करते हैं तो कलीग्स के माध्यम से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ बातें वहाँ पर नहीं बन पा रही थी, काफ़ी परेशानी भरा माहौल था, तो उनसे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये समय आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में विशेष तौर से आपके जो शत्रु हैं, जो जाने अनजाने में आपके कुछ शत्रु बन गए हैं, उनका आप दमन कर पाएंगे। शत्रु अपने आप ही स्वतः ही आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे। ये समय आपका जो रहने वाला है, इस समय में विशेष तौर से आपको कोई ऋण इत्यादि नहीं लेना चाहिए। ऋण अगर लेना पड़ता है तो काफ़ी सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि इस समय में लिया हुआ ऋण काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं रहेगा, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। और विशेष तौर से इस समय में अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो अधिक उत्तम रहेगा। और ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर हार्डवर्क कराने वाला रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको कब दिन हुआ कब रात हुई इतना भी मालूम नहीं रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य व्यवसाय में इतना डूब जाएंगे कि आपको कुछ भी मालूम नहीं रहेगा कि आप कब दिन हुआ कब रात हुई। आप अपने कार्य व्यवसाय में तन मन धन से लग कर के प्रयास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय में जिन लोगों को जॉब चेंज करनी है तो उनके लिए जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय में विशेष तौर से अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा, अभी कोई नया व्यापार स्टार्ट ना किया जाए। पुराना व्यापार जैसे चलता है वैसे ही उसे चलने दिया जाए। उसके अंदर अगर कोई नया एम्प्लॉई आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब लेस है तो जॉब तो ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र पे वर्क की अधिकता रहने की वजह से रोज़ प्रत्येक दिन आपके मन मस्तिष्क में विचार आएगा कि आज जॉब छोड़ दूंगा, आज जॉब नहीं जाऊंगा, आज मैं थक गया हूं, मुझे ज़्यादा काम दिया जा रहा है, ये चीज़ें आपके मन में आएंगी, परंतु ऐसा नहीं है, ये आपका एक भ्रम है। अगर आप देखें आपकी कंपनी, आपके कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर कार्य दे रही है, परंतु आपका समय अनुकूल ना होने की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रात दिन, आपसे रात दिन काम कराया जा रहा है, आपको अधिक वर्क करना पड़ रहा है जबकि औरों को कम काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अभी नए हैं उस क्षेत्र में, इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि ये 140 डेज़ का समय आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आया है। आपका इस समय में एग्ज़ाम चल रहा है, तो जितना अच्छा आप इस समय में एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, उतने ही अच्छे अंक आपको आने वाले समय में शनि ग्रह के माध्यम से मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से अच्छे रिजल्ट अवश्य प्रदान कराएगा, परंतु थोड़ा सा ये 140 डेज़ का समय आपको हार्डवर्क कराने वाला रहेगा। पिछले समय में हो सकता है आपके पास धन का आवागमन कम हो रहा हो, घर परिवार में एक शांति प्रिय माहौल ना रह पा रहा हो, परंतु अब आने वाला जो समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में घर परिवार का माहौल उत्तम रहना और धन का आवागमन भरपूर मात्रा में होना, इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त होना, घर परिवार में सभी प्रकार की शुभता का आना,
ये सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा, परंतु फिर भी मन के अंदर जो निगेटिविटी बनेगी, उस निगेटिविटी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके मन मस्तिष्क में जो निगेटिविटी बनती है उसे आप कंट्रोल कर पाते हैं, तो आप शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों की अधिकता को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी दिनचर्या व्यतीत करता है, वो सभी उसके मन मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करती है। अगर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, चाहे वो अंदर से दुखी है, परंतु अगर बाहर से दुखी दिख रहा है परंतु अंदर से उसका मन खुश है, अंतरात्मा से वो अपने आप को कनेक्ट करता है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसे मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप दुख की स्थिति में भी खुश रहने का प्रयास करें तो आपके पास खुशियों का आना निरंतर लगा रहेगा, आपको दुख किसी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएगा। दुख भी कहेगा कि मैं इसे दुख देना चाह रहा हूँ, परंतु ये तो खुशी हो रहा है, ऐसी स्थिति बनती है। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने आप को खुशियों से जोड़ने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से कोई निगेटिविटी है, कुछ निगेटिव लोग हैं, उनसे दूरी बना करके अपने आप को अच्छे और खुशनुमा लोगों से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आपका आगामी जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, आप आगामी जीवन में सभी प्रकार की खुशियों को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाए। तो कुल मिलाकर के अगर कहूँ तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में आपके कुछ ना कुछ चेंजिंग होने वाला है। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो हो सकता है आप अपना स्थान परिवर्तन करें, जॉब के अंदर स्थान परिवर्तन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है और शुभता के साथ मिलती हुई दिखाई देती है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उस घर परचेज करने के लिए भी शुभ अवसर आपको यहाँ पर प्रदान होंगे, उन्हें परचेज करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाने का प्रयास करें। कार्य व्यवसाय में कार्य आपका अच्छा चलेगा, हार्डवर्क रहेगा, परंतु अच्छे रिजल्ट उसके प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं शनि ग्रह के फल के विषय में। अगर किसी कारण से शनि ग्रह के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और आप देखते हैं कि आए दिन जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है, तो क्या उपाय किया जाए? एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के तने में एक काले रंग का रेशमी डोरा बांधना है और जीवन के जिस क्षेत्र से भी आपके पास परेशानी आ रही है, उस परेशानी को शनि देवता को बोल देना है कि शनिदेव, आप ये जो परेशानी आ रही है, इस परेशानी से मुझे बचाएं और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कार्य व्यवसाय के ऊपर, मेरे घर के ऊपर बनाए रखने की कृपा करें। और शनि देव के जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर जल अर्पण करें और शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक, एक चुटकी काले तेल डाल करके अवश्य प्रज्वलित करें। इस उपाय को आप एवरी सैटरडे करें। आप देखेंगे जिस क्षेत्र से आपको शनि ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी परेशान कर रही थी, उनसे आप बच पाएंगे और आपको शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये था शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय का वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।